भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी कर दी, जिसमें शिवपुरी जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 से बीजेपी ने पूर्व विधायक देवेंद्र जैन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। देवेंद्र जैन के प्रत्याशी घोषित होते ही शिवपुरी नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वहां के विधायक को पिछोर की जनता ने भगाया और अब शिवपुरी की जनता इसका जवाब देगी। और बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन पत्ते वाले ने 6 बार के पिछोर विधायक रहे केपी सिंह कक्काजू को 6 बार ही हराने का दावा किया। वहीं शिवपुरी शहर में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने और शिवपुरी नगर की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। नगर का विकास, जो भी परेशानियां आज शिवपुरी नगर में यहाँ के निवासियों को है, उसमें मुख्य रूप से पाइपलाइन बदलने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी नगर पालिका श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में लाइन की परचेजिंग हो चुकी और लाइन बनी है। सीवर लाइन के जो भी काम बाकी हैं वो नगर की जो सड़कें खराब हैं, अभी भी बहुत सारी सड़कें हमारी पूर्व मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा बहुत सारी नगर की सड़कें स्वीकृत कराई गई हैं और मेरे जानकारी में कुछ सड़कों के काम प्रारंभ हुए हैं। उसके बारे में मैं सीधा कहता हूँ कांग्रेस का, कांग्रेस ने 50-60 साल में कुछ किया नहीं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हम जब वोट मांगने जाते हैं यदि हमने कुछ किया है तो हमको वोट मांगने जाना चाहिए। हम तो आज भी कहते हैं कि 10 कांग्रेसी 5 कांग्रेसी हमको ये बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।